जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख एवं स्वर है सतीश मिश्र का। पीलीभीत जनपद में कोविड टीकाकरण का लक्ष्य 100% पूरा कर लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि कोविड 19 की पहली डोज में लक्ष्य का 108.9% और दूसरी खुराक में 106.7% टीकाकरण हुआ है। उनके अनुसार 15 से 17 वर्ष के युवाओं ने लक्ष्य से आगे बढ़कर 107.9% टीकाकरण कराया है, जबकि 101.9% ने दूसरी खुराक ली है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में पहली खुराक लक्ष्य से आगे बढ़कर 102.2% ने लगवाई है। इतना ही नहीं, जिले में 54,000 से अधिक लोग हाल में ही घोषित 18 प्लस एहतियाती बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। सरकार द्वारा 75 दिन के लिए मुफ्त दी जा रही इस डोज को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। जागरूकता के चलते संशय छोड़कर अब टीका लगवाने के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं। पीलीभीत में मिशन इंद्रधनुष के तहत गर्भवती महिलाओं व बच्चों को सुरक्षित रखने हेतु उनका टीकाकरण किया गया। नियमित टीकाकरण प्रति सप्ताह बुधवार व शनिवार को सभी सीएससी, पीएससी व एएनएम केंद्रों पर कराया जा रहा है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह ने बताया कि पिछले 3 माह के दौरान 3 लाख से अधिक टीकाकरण पीलीभीत में कराया गया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण हेतु जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नियमित टीकाकरण में एएनएम व आशा वर्कर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे महिलाओं व बच्चों को टीकाकरण हेतु अस्पताल तक लेकर जाती हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तृणभोजी वन्य जीवों की गणना का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार गुलदार, हिरण व अन्य वन्य जीवों की संख्या में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हुई है। प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल ने बताया कि टाइगर रिजर्व में गुलदार 101, फिशिंग केट 109, पाड़ा 2000, चौसिंगा 110, सांवर 649, चीतल 28,257, बारासिंगा 1,431, भालू 190, मोर 5,008, बिज्जू 1,080, सेही 1,050, गोह 1,035 व अन्य प्रजातियों सहित कुल 99,000 से अधिक वन्य जीव पाए गए हैं। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा है कि पीलीभीत में 300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जा रही है। सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु काफ़ी अधिक काम किया गया है। वे सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां बताने पीलीभीत पहुंचे थे। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बीसलपुर विधायक विवेक कुमार वर्मा और बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के अलावा जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी द्वारा जिले में 100 दिन में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। 15 अगस्त तक पौधारोपण का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। जनपद में 1 जुलाई से पौधारोपण बृहद स्तर पर किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां भी पीलीभीत जनपद में जोर शोर से चल रही हैं। पीलीभीत में पवित्र सावन माह को लेकर शिव भक्तों में भारी उल्लास है। सुप्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, इकोत्तरनाथ मंदिर और त्रेतानाथ मंदिर सहित जिले के सभी शिव मंदिरों व शिवालयों में दर्शन पूजन व रुद्राभिषेक का क्रम जारी है। भोले के भक्त हरिद्वार व कछला गंगा घाट से जल लाकर मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़िया छोटी काशी कहे जाने वाले गोला गोकर्णनाथ में शिव जी का जलाभिषेक करने हेतु रवाना हो रहे हैं। गोमती उद्गम तीर्थ के पवित्र जल से भी शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा व उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी स्वयं पुलिस फोर्स के साथ मंदिरों का दौरा करके जायजा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर भजन कीर्तन, मानस पाठ व भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख एवं स्वर है सोनेलाल का। कौशाम्बी जिले में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि शिक्षित बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई रिक्शा निःशुल्क वितरण किया। श्री मौर्य ने बताया कि 2012 से पार्टी में रहने वाले शिक्षित बेरोजगार कार्यकर्ताओं को 1 लाख से अधिक निःशुल्क ई रिक्शा वितरित किया जाएगा। बेरोजगार कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 125 लोगों को ई रिक्शा वितरित किया। उन्होंने कुम्हारी कला के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक लोगों को बिजली चालित चाक वितरित किया। लकड़ी कला के कारीगरों को टूल किट देकर आत्मनिर्भर बनाया। श्री मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर रोजगार प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बना रही है।
लकड़ी कला के अंतर्गत टूल किट निःशुल्क वितरित किया। किसानों और मजदूरों के लिए सरकार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कार्य कर रही है। किसी भी नौजवान युवक को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए भी सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर भरण पोषण के लिए रोजगार मिलेगा। कौशाम्बी जिले में एक सप्ताह आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर झंडा फहराएगा। जिला अधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत घर घर झंडा फहराया जाएगा। 15 अगस्त के दिन झंडन रोहण किया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय और गांव-गांव झंडा फहराने की लोगों को जानकारी दी। कौशाम्बी जिले में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ फसलों की रोपाई बाधित है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जून जुलाई माह में 5% वर्षा होने के कारण तिलहन की बुआई पिछड़ गई। पर्याप्त मात्रा में वर्षा न होने के कारण खरीफ फसलों में धान की रोपाई भी कम मात्रा में किसानों द्वारा की जा रही है। कौशाम्बी जिले में पुस्तकों की आपूर्ति न होने के कारण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पठन पाठन बाधित है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जुलाई माह में सरकार द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति की जाती थी। पुस्तकों की आपूर्ति समय से न होने के कारण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पठन पाठन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को 7 अधिकारियों की टीम बनाकर प्राथमिक स्कूलों की जांच की गई। जांच के दौरान 77 स्कूलों में 107 शिक्षक और शिक्षा मित्र अनुपस्थित पाए गए। स्कूलों में अनुपस्थित पाए गए शिक्षक और शिक्षा मित्रों के वेतन को रोकने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पठन पाठन प्रणाली सुचारू रूप से लागू नहीं की जाती है तो जिम्मेदार अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी जिले में अवैध बालू भंडारण करने वाले माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर 10,000 घन मीटर बालू भंडारण को सीज किया गया। उप जिला अधिकारी मंझनपुर प्रखंड उत्तम ने बताया कि वर्षा के समय यमुना बालू घाटों से बालू की ढुलाई बंद हो जाती है। इसके पहले बालू पट्टा धारकों द्वारा बालू भंडारण करने के लिए खनन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। कौशाम्बी जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 200 से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में पैरवी कर गंभीर अपराधों पर 6 माह में 126 से अधिक लोगों को सजा हुई। अप्रैल माह में 22, मई माह में 58, जून माह में 28, जुलाई माह में 20 लोगों को न्यायालय में मॉनिटरिंग सेल द्वारा पैरवी कर सजा दिलाई गई। जिले की पुलिस अभियान चलाकर 210 लोगों को गिरफ्तार कर 200 से अधिक अवैध शस्त्र बरामद किया। अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर 6 माह में 707 लोगों को गिरफ्तार कर 10,000 लीटर अवैध शराब बरामद की। अपराध को नियंत्रण में करने के लिए 417 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। संपादक दिलीप कुमार शुक्ला।